हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है कि एगलेस हम हेयर मास्क कैसे बना सकते हैं घर में। मैंने जो सबसे पहले अपनी वीडियो डाली थी यूट्यूब पे वो यही डाली थी कि हाउ टू कंट्रोल हेयर फॉल एट होम। तो उसमें मैंने जो ट्रीटमेंट बताया था उसमें एग डला था। अब मुझे बहुत से लोगों ने बोला और मेरे को यूट्यूब पे कमेंट भी आया कि जो एग यूज़ नहीं करते वो क्या करें, वो हेयर फॉल से कैसे बचें होम केयर से। तो आज जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि हम बिना एग के कौन सा मास्क बनाएं जिससे घर पर ही हम ऐसा मास्क बनाएं जिससे हमारा हेयर फॉल रुक जाए। तो आज का मेरा वीडियो इसी के ऊपर है, तो वीडियो आप आगे कंटिन्यू देखते रहिए कैसे कैसे मैं मास्क बनाती हूँ बिना एग के। और ये जो बिना एग के होगा ये इफ़ेक्ट भी बहुत करेगा। मेरे को जो मैंने वो एग वाला बनाया था उसके ऊपर इतने इतने कमेंट्स आए हैं मुझको और इतने लोगों ने मुझे बोला भी है कि उससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रुका है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि अगर आप एक बार भी अप्लाई करेंगे इसको तो मैं उससे आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। जो एग यूज़ करते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में भी, तो आप उसको देख के आप यूज़ करें जो एग यूज़ करते हैं। और जो एग यूज़ नहीं करते उनके लिए आज मैं वीडियो बनाई रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन करूंगी, जो एग वाले हैं वो प्लीज़ वो मास्क ज़रूर अप्लाई करें। आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, आपके बाल बहुत शाइन हो जाएंगे और हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा। दो बार आप करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। तो मेरी सजेशन ये है कि आप प्लीज़ यूज़ करके देखें और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो आइए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं कि हम बिना एग के भी हेयर फॉल कैसे रोक सकते हैं घर बैठ के। गाइस, जो हमें इंग्रेडिएंट बनाना है हेयर फॉल के लिए जिसमें हमने अंडा नहीं डालना, बिना अंडे के हमने मास्क बनाना है, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी मैं आपको सारे दिखाऊंगी। उसके लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। गाइस, जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए एगलेस मास्क के लिए, उसके लिए सबसे पहले हमें ये कर्ड चाहिए। हमने कर्ड लेना है। आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ सही ना लगे। और उसके बाद हमने ये कलौंजी ऑयल लेना है। ये कलौंजी ऑयल आपको कहीं से भी मिल जाएगा, तो ये आपने कलौंजी ऑयल लेना है। और ये हमारे पास कोकोनट ऑयल है, तो ये आपका जो मास्क है ये रेडी हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। इतना हमने कर्ड लेना है, कम से कम एक छोटी जो कटोरी होती है वो कर्ड लेना है हमें। कर्ड लेने के बाद हमने इसमें ऑयल डालना है, 2 टेबलस्पून आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल दीजिए। नेक्स्ट इसमें हमने जो डालना है वो है कलौंजी ऑयल। ये आप इसके 2 ढक्कन जो होते हैं वो डाल दीजिए। कलौंजी ऑयल बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, हेयर फॉल बिल्कुल रोक देगा। ये हो गया हमारा मिक्सचर रेडी, हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये अच्छे से हमने दोनों ऑयल को मिक्स कर लिया, ये हमारा मास्क रेडी हो गया। तो आइए इसकी हम एप्लीकेशन करते हैं। तो गाइज, हमारा मिक्सचर हो गया रेडी, हमारा इंग्रेडिएंट हो गया रेडी हेयर फॉल के लिए एगलेस मास्क। इसका नाम भी जो रखा है मैंने वो एगलेस मास्क रखा है कि जिसको अंडे से प्रॉब्लम है, अभी गिर जाता सारा, जिसको अंडे से प्रॉब्लम है वो इसको लगाए। इसमें 3 चीज़ें डली हैं, एक तो दही है, दही सबके घर में होती है, वही रात को निकाल के आप रख दो और सुबह को इसको यूज़ करो। रात को फ्रिज से बाहर निकाल के रखनी है, फ्रिज वाली नहीं अप्लाई करनी। ये मैंने अपने जो मैं डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मेंशन करूंगी उसमें भी बोला है मैंने कि जब भी आपको कर्ड लगाना है वो फ्रिज का ना हो, फ्रिज से बाहर रखा हो।
ठीक है। दूसरा हमने इसमें डाला है कलौंजी ऑयल और तीसरा हमने इसमें डाला है कोकोनट ऑयल। दोनों ऑयल्स हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं। कलौंजी ऑयल आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रोकता है और कोकोनट ऑयल वैसे ही आपके हेयर्स में बहुत सारी शाइन और बहुत स्मूथनेस देता है। दोनों ही ऑयल और कर्ड आपका सेम वही प्रोसेस करेंगे जो एक अंडा करता है। तो आइए हम इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने क्या करना है गाइज, अपने सारे बाल हमने आगे कर लेने हैं ऐसे। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था आपको जो एग वाली थी, तो ऐसे ही हमने सारे बाल अपने आगे करने हैं। और हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, ये बॉल है आपका, बॉल से जैसे हाथ से ही उठाना है आपको और इसको ऐसे अप्लाई करना है। ये देखिए, ये सेम वही काम करेगा जो अंडे वाले मास्क ने किया था। वॉशरूम में जाके आप इसको कर सकते हैं अपनी सिंक पे, जिससे अगर नीचे गिरे भी तो गंदा ना हो। गाइस तो फ्रेंड्स, इस मास्क को लगाने से पहले अपने ऊपर कोई भी शीट डाल लें, क्योंकि कर्ड है तो वो उसका पानी थोड़ा सा गिर सकता है जिससे आपके कपड़े ना ख़राब हों। मैंने भी शीट लगा ली है, तो आपके पास घर पे कोई भी शीट हो, कोई भी टॉवल हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊँगी। मैंने वो जो वीडियो बनाई थी वो भी मैंने एप्लीकेशन के साथ बताई थी कि हमने एप्लीकेशन कैसे करनी है। तो एप्लीकेशन बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आपके पास कोई नहीं है कि आप किसी से मास्क लगवा लें, तो आप इसको खुद कैसे इजीली अप्लाई कर सकते हो, तो आइए हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और रूट्स के अंदर हमने कैसे करना है, बालों को ऐसे ऊपर करके पूरा हाथ अंदर तक आपने मसाज करनी है। आप इसको भी करके देखिए, जो अंडा लगाते हैं वो भी ये लगा सकते हैं। आप इसको करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। पूरा हाथों में लेके पूरा आपने एंड तक इसको अच्छे से मल्सीफाई कर लेना बालों। गाइस ये हमने सारे सिर में अप्लाई कर लिया अच्छे से, तो आप इसको ऐसे पीछे बाल करके पूरा प्रॉपरली ऐसे आप इसको मल्सीफाई कर सकते हैं। सारे बालों में बहुत ही अच्छी तरह लग गया। और जो एंड में ये बचा है इसको बालों को ऐसे डालिए और पूरे बालों में अप्लाई कर दीजिए ऐसे। और फिर पीछे करके सारे बाल। आप इनको टाई कर लीजिए। टाई भी कैसे करना है, सिंपल बालों को आपने ऐसे इकट्ठा करना है सारे बालों को और एक बन बना लेना है। ये देखिए ऐसे हमने एक बन बना लेना है और इसको हमने एक घंटा ऐसे ही छोड़ना है। इसको आपने एक घंटा ऐसे ही छोड़ना है मास्क को। अब हम आपको एक घंटे के बाद मिलते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो फिर देर के बाद मिलते हैं। गाइस हमें मास्क लगाए पूरा घंटा हो गया, तो अब है हमारा वॉश टाइम, तो आइए वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद मैं आपको दोबारा से मिलती हूँ।
गाइज ये हमने कर लिए अपने हेयर वॉश। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बाल कितने ही स्मूथ हो गए। जब मैं इनको वॉश कर रही थी मुझे तभी फील हो रहा था कि मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे हो गए हैं। तो आइए हम बालों को देखते हैं कि हमारे बाल कैसे हो गए। गाइज ये हमने कर लिए अपने बाल वॉश और आप बालों को जब ये वाला ट्रीटमेंट लगाएंगे आपको बाल खुद ही बहुत सॉफ्ट लगेंगे। ये देखिए बालों में कितनी शाइन आई है। अभी तक मैंने कोई कॉम वगैरह कुछ भी नहीं किया और बाल बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है मुझे। तो ये आज की जो मेरी वीडियो थी वो एगलेस मास्क थी कि हम बिना एग के भी हेयरफॉल मास्क अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिए और इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।